यस, लास्ट क्लास जो क्वेश्चंस किए थे उसमें कोई डाउट है मैंने सारे ग्रुप में भेज दिया है। सारे क्वेश्चंस री रीड करिए, जिसमें भी डाउट हो रहा है वो पूछिए अभी के अभी। नहीं है डाउट तो फिर और क्वेश्चन लेती हूँ मैं करने के लिए। जो नहीं दिए थे लास्ट क्लास वो आज बना सकते हैं। जिनको डाउट था, जिनसे नहीं बन पाया कोई क्वेश्चन, वो पूछ लो क्वेश्चन। हाँ बच्चे, नहीं तुम लोग पेज में बना के क्या करोगे? तुम लोग को मैं थोड़ी लूंगी, तुम लोग अपने से बनाओ। हाँ पैसेज नहीं भेजा, पैसेज भेज दिया था पहले ही, लास्ट क्लास ही भेज दिया था। हाँ बच्चे 37 नंबर 37। हाँ बच्चे गुरु क्या डाउट है? गूज मतलब एक एनिमल का नाम है, ठीक है, पक्षी नहीं है, एनिमल है। यस, क्यों नंबर मिलेगा बच्चे? यस ओके ये जो क्वेश्चन है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 37, इसमें गूज और गैंडर जो है वो मेल फीमेल है, गूज मेल है, गैंडर फीमेल है। डॉग और पप का जो रिलेशन है दैट इज डॉग इज द एल्डर एडल्ट पार्ट एंड पप उसका चाइल्ड को बोलते हैं। शीप एंड फ्लॉक, शीप जो एनिमल है, फ्लॉक मतलब अ ग्रुप ऑफ शीप्स आर कॉल्ड फ्लॉक। डो एंड स्टेज इज द वन विद आई थिंक जेंडर वहां पर है। डो इज योर मेल ऑफ फीमेल काउंटरपार्ट। आई हॉर्स एंड ब्रिडल, हॉर्स मतलब ब्रिडल मतलब क्या होता है? हॉर्स मतलब पता है, ब्रिडल इज दैट लेदर स्ट्रैप जिससे उसका हेड पर जो बंधा रहता है, नोज पे जो बंधा रहता है, दैट इज ब्रिडल। यहाँ पर जो रिलेशन गूज और गैंडर का है वो सिर्फ डो और स्टेक का है। यस एनी अदर क्वेश्चन? Whisper and speak. Request and ask. Option 2 is correct. Whisper and speak. Whisper का क्या मतलब होता है? हाँ, और speak का मतलब क्या होता है? यानी कि the difference या फिर आप कह सकते हैं similarity between both are your speaking. दोनों में से टोन का डिफरेंस है, एक में आप बहुत हल्के बोल रहे हैं, एक में आप बस बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन लिसन एंड बेयर, लिसन का मतलब होता है कि आप सुन रहे हैं, बेयर का मतलब आप बर्दाश्त कर रहे हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट एंड आस्क यानी कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं और पूछ रहे हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट करना और पूछना क्या तोड़ दिया? ब्रश एंड टच, ब्रश मतलब सिर्फ हल्के से टच, ऐसे हल्का लगाना, ठीक है, और टच मतलब सिर्फ टच करना, एनी हाउ, ठीक है। हीट एंड चिल, हीट एंड चिल आर ऑपोजिट, हीट एंड चिल जो है, हीट मतलब गर्म, चिल मतलब ठंडा। सी इफ वी लुक इन द ब्रॉड सेक्शन, अगर हम ब्रॉड सेक्शन में देखें तो
ब्रश और टच का भी रिलेशन सेम है, बट स्पीक एंड विस्पर जो है वो दोनों बोलने के हिसाब से सिमिलर है, और रिक्वेस्ट और आस्क भी बोलने के हिसाब से, यानी कि चारों में भी सिमिलैरिटी है. अंडरस्टूड? तो ब्रश, अगर आप सिर्फ विस्पर और स्पीक का रिलेशन देख रहे हैं तो ब्रश एंड टच का भी सेम रिलेशन, बट इन द सेंस ऑफ स्पीकिंग, ठीक है, हर चीज, हर यहाँ पर चारों जो ऑप्शन है चारों में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होनी चाहिए. तो स्पीक एंड विस्पर एंड रिक्वेस्ट एंड आस्क सभी बोलने से रिलेटेड है, इसलिए टू ऑप्शन करेक्ट होगा आपका. और कोई? पैसेज में किसी को कोई प्रॉब्लम है? वो सब क्वेश्चंस ये थे, दूसरे पैसेज के थे, मैंने एक ही पैसेज डाला है. दो और पैसेज थे वो मैंने अमिट कर दिए, इसीलिए आपका नाम निकल. 37 का ऑप्शन नंबर 3, 37 का ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पर जेंडर डिफरेंशिएट हो रहा है. Yes, any other doubt? Thirty-two. Yes, school in India can be supported either by government budget and by private foundation. Okay, C is the correct option, क्योंकि यहाँ पर either के साथ हमेशा और लगता है and नहीं. And मतलब कि ये दोनों हो सकता है, दोनों साथ में चाहिए, और मतलब दोनों में से कोई एक चाहिए. तो आइदर जब लग रहा है यानी कि दोनों में से कोई एक चाहिए ऑप्शन आपको, तो और वहां पर होगा. और कोई? 34. बोथ पर्सनालिटी एंड एक्सटर्नल लुकिंग वेर आई ग्रेटली इवन अमंग ब्रदर्स एंड सिस्टर. 34 का होगा 4 नंबर, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. ऑप्शन नंबर डी होगा, हैज टू बी करेक्टेड. ग्रेटली इवन अमंग, ग्रेटली इवन अमंग, यहाँ पर वेर आई इवन ग्रेटली अमंग होगा. इवन अमंग जो है, सॉरी, ग्रेटली एंड इवन जो है वो इंटरचेंज होंगे प्लेसेस में. वहां पर वेर आई इवन ग्रेटली अमंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. और कोई डाउट? फोर ऑप्शन बचे. ग्रेटली इवन अमंग जो है वो ऑप्शन में ग्रेटली इवन का प्लेस इंटरचेंज होगा. नहीं, 3 नहीं, ऑप्शन वो 4 है. सी, इसके वजह से भी हो सकता है गलती किए हो. देखो यहाँ पर बोथ के बाद ए लिखा है, फिर स्लैश है, फिर उसके बाद बी ऑप्शन. लास्ट वाला जो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है, दैट इज नॉट इन द ऑप्शन. That is not in the option. Slash के बाद जो चीज choose करने वाली होती है वो खत्म हो जाती है. Any other question? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में, यू कैन आस्क. यस, वन मोर थिंग, ये आपका सिर्फ मॉक टेस्ट था, दैट मींस इट वाज मच इजियर देन एनी
examination question. Was much easier than any examination. I mean, to say जो competitive exams होते हैं, not for interview examination. Interview examination में इसी तरह के क्वेश्चन, but हाँ विप्रो टीसीएस में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे. But if you are applying for any competitive exam, ठीक है, government examination हो गया या फिर आप हाँ कोई भी आपका competitive exam है CAT MET उस टाइप का, बैंक पीओ का, उसमें इससे टफर क्वेश्चंस आएंगे. क्वेश्चन नंबर 23, इफ यू डू नॉट डैश ऑल योर मंथली एक्सपेंसेस वुड एक्सीड योर इनकम, इफ यू डू नॉट सेव, इफ यू डू नॉट सेव, सेविंग करोगे तभी तो आपके मंथली एक्सपेंसेस में से कुछ बचत होगी. फर्स्ट और इकोनॉमाइज मतलब कि आप उसको अच्छे से मतलब प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, किस तरह आपको पूरे एक्सपेंसेस करने हैं, वो पूरा एक डिजाइन आप तैयार कर रहे हैं कि आपका मंथली एक्सपेंसेस किस तरह का होगा, ठीक है. सेविंग मतलब कि आप जो भी एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, उसके बाद जो आपका बच रहा है, यानी कि आप अगर एक्सपेंसेस ध्यान से नहीं कर रहे हैं, देख देख के नहीं कर रहे हैं, तो आपका सेविंग्स नहीं होगा उसमें, ठीक है. फर्स्ट ऑप्शन बच्चे तब होता है इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली द एक्सपेंसेस. यहाँ पर सेविंग की भी बात होती है. यहाँ पर क्या कह रहा है कि आपके अगर आपने अपने एक्सपेंसेस में से सेव करना नहीं स्टार्ट किया, तो आपकी इनकम जो है, आपके एक्सपेंसेस जो है वो इनकम से एक्सीड कर जाएंगे. इसका मतलब कि आप अगर सेव नहीं कर रहे हो, ठीक है, सेव नहीं कर रहे हो, ठीक है, इकोनॉमाइज हो सकता है, ठीक है, बट यहाँ पर इकोनॉमाइज तब होता जब हम सिर्फ इतना बात करते हैं, यहाँ पर जो मंथली इनकम है वो एक्सीड कर रहा है. यस, क्या पर्सनल जॉब चल रहा है आप लोग का? जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं उनको सही कौन करेगा? कैसे जा रहे हैं? गूगल पे जाके बुलाओ, लेकिन यहाँ नहीं पूछ सकते. यहाँ पढ़ लोगे तो होती हो जाएगी, ज्यादा पढ़ लोगे. हाँ, आंसर मैं बता दूंगी, जो डाउट है वो पहले पूछ. Yes, आपको अगर डाउट नहीं है then let me ask the questions. कितने टाइम के टेंसेस होते हैं? कितने टाइप के टेंसेस होते हैं? Which one? How many sub divisions are there? Which one? Then in which place are you using simple present or present imperfect? कौन से statements या कौन से sentences में आप present indefinite या simple present का इस्तेमाल करते हैं? I am asking about the situation. That means if you are talking about a truth or a fact, right? अगर आप truth और fact बता रहे हैं, जो चीज आप अभी कर रहे हैं उसी के बारे में बता रहे हैं, तो वो चीज आपका simple present हो गया. Present continuous का क्या मतलब हुआ? अगर वो खा चुका है तो ये तो पास्ट नहीं होगा ना. अगर वो खा चुका है तो ये तो सेंटेंस पास्ट नहीं होगा. दैट मींस ही एट द मैंगो और द एप्पल. हां,
नहीं, राम ने मैंगो और राम ने मैंगो दैट मींस वो खा चुका है, एट यानी कि बीटू लगा आपका, ये इसका मतलब हुआ कि वो खा चुका है, ठीक है। राम इज ईटिंग अ मैंगो मतलब खा रहा है, has eaten mango, वो परफेक्ट हो जाएगा आपका सिंपल, परफेक्ट होना कभी तो जो काम आपने अभी तुरंत किया, ठीक है, अभी तुरंत किया उसके लिए अगर आप बोल रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आपने अभी तुरंत खाया खाना, तो आप क्या बोलोगे? I have eaten, यही बोलोगे ना? तो क्या before you have asked, I have already eaten, वही होगा सेंटेंस, you are using परफेक्ट, मतलब वो काम बहुत पहले हो चुका है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट टुडे, मैं सुबह नाश्ता करके आई हूँ, मैं अभी बोल रही हूँ कि लंच टाइम हो रहा है, देन इट इज प्रेजेंट परफेक्ट। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सैटरडे और लास्ट मंडे, देन इट इज पास्ट परफेक्ट। हाँ, देन इट इज पास्ट परफेक्ट। Why does there are so many rules and tenses in English? Because they are related to your relative time difference. आपका जितना time difference है, आपने जो काम किया है, जो काम कर रहे हो, वो सारे चीज़ में यही चीज़ लगता है. Yes. I can't find any example or questions. Yes. आपको ये चीज बताने की जरूरत नहीं कि आपने कब किया, आप स्टेंस में बोल रहे हैं, इट इज ऑलरेडी नोन कि व्हेन यू हैव डन, ठीक है। एग्जैक्ट टाइमिंग आप तभी बताएंगे व्हेन यू आर मेंशनिंग कि प्रीवियस टू प्रीवियस, मान लीजिए कि आपने लास्ट मंथ किया, आपने लास्ट वीक किया, तब यू हैव टू स्पेसिफाई। यस्टरडे स्पेसिफाई करते हो ना, व्हेन यू हैव सबमिटेड द असाइनमेंट यस्टरडे, क्यों स्पेसिफाई कर रहे हो? दैट मींस यू आर एग्जैक्टली टेलिंग अस कि कब किया, बट इफ यू आर यूजिंग ओनली द टेंसेस दैट स्पेसिफाई कि वो आज नहीं किया, समझे? ओके, लेट्स मूव ऑन टू सम क्वेश्चंस। पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट यानी कि आपने वो काम किया है, यू नॉट स्पेसिफाइंग कि कब किया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप सिंपल इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट सोचो, प्रेजेंट इंडेफिनिट आप क्या बोल रहे हो? जब आप कोई फैक्ट बता रहे हो, ट्रूथ बता रहे हो, या अभी अभी तुरंत कुछ काम किया है, कोई चीज बता रहे हो, दैट इज योर सिंपल प्रेजेंट। ओके, सिंपल प्रेजेंट स्टेटमेंट का एग्जाम्पल ले लीजिए, सन राइजेस इन द ईस्ट, दिस इज द ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ। अगर आप सिंपल the sun rises in the west, so that is not same truth. आप नहीं बोल रहे, आपको पता है जो universal truth है, आप उसको गलत बोलोगे, sentence को गलत है या syntax गलत हो रहा है? I'm not teaching you the syntax ना, मैं आपको structure बता रही हूँ, tenses क्या है? Yes. बिल्कुल, दोनों में वही तो डिफरेंस मैं बता रही हूँ। जब आप कोई स्टेटमेंट ऐसा बोलते हैं, फॉर एग्जांपल, he is playing a chess, he always play chess on Friday, yesterday was Friday and he played chess, यानी कि वो हर चीज हर फ्राइडे वो चेस खेल रहा है, और कल फ्राइडे था और कल भी उसने खेला, वो आपका सिंपल पास्ट में आ गया। जो काम होते आ रहा है ने वो काम किया, वो पास्ट में है। अरे, when you are doing, coming to college every day, you came to college yesterday,
दैट इज द सिंपल प्रेजेंट फॉर सिंपल पास्ट. समझे? जो काम आप कर रहे हो मैं बता रहे. यस, लुक एट द क्वेश्चन दैट इज डिस्प्लेड इन द स्क्रीन. यहाँ पर जो क्वेश्चन डिस्प्लेड है. नहीं, आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल. अगर नहीं हो रहा तो और अच्छा, लेट मी शेयर इट अगेन. अभी देखो हुआ नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं सिस्टम. अच्छा, give me 1 minute. अभी नहीं ना पढ़ने आएगा. That's what I'm doing. तुम लोग आईटी वाले स्टूडेंट हो, तुम लोग को नहीं समझाना चाहिए कि टेक्नोलॉजी को आप किस तरह यूटिलाइज करें. Right? I shouldn't be saying it to you how to utilize your technology.
Yes. Let me take this question. Yeah. क्वेश्चन पे तुम्हें ये बताना ही पड़ा। यस आ गया। आपके पास 6 सेंटेंसेस हैं, उसको आपको मीनिंगफुल पैसेज में अरेंज करना है। सॉरी यहाँ भी चल रहा है। मैम रोल नंबर 76 तो हम लोग के पास में है ही नहीं। There is no one roll number 76 in our batch. I think he's outside. Okay, yes. I want the answer before the meeting ends. जो passage दिया passage आपको बनाना है उसके answer मुझे चाहिए अभी के। Why? Why? I have seen it. आप बताइए कि क्यों आपने चूज किया। If what was the total number? 29. Total number. Yes, I didn't get the answer. You. आपको ऐसा लग रहा है? Yes. Okay, as per your description, the option जो है वो आपका, sorry, the sentence जो है वो पहला है। If we go through the sequence, the अगर आपका पहला है तो we have two options, यानी कि बाकी की तीन options eliminate होते हैं। Let's go further with A, E, option E, जो कि पहला option number one में है। Sentence E is Miss Sullivan works closely with Helen, a new student. Yes. It cannot be that statement because आपका Miss Sullivan यहाँ पर introduce नहीं की गई in the first sentence. So A is your correct. So option number 2 is your correct answer. चलिए बहुत बढ़िया. Yes, next question जो है आपका.
We'll discuss more question in the next class. Yes, next class के लिए मैं पहले बता दूं आपको जो questions मैंने दिए थे, ठीक है, इसी type का test आपका